हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल जनता क्लास में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, या हम इस चैप्टर में बात करेंगे तो 110 क्वेश्चन है। द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाय, करेक्ट ऑप्शन है डी टी एच मॉर्गन। लिंकेज टर्म को किसने दिया था? टी एच मॉर्गन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 111, इन आवर सोसाइटी वुमन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रेन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। हमारे समाज में औरतों को बच्ची पैदा करने के लिए जब गर्ल चाइल्ड होती है तो उसके लिए जिम्मेदार औरतों को माना जाता है, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर को चुनिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पार्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग। क्योंकि औरतें जिम्मेदार नहीं होती, बात इस चीज पर डिपेंड करता है कि एग को एक्स मेल का यक्स क्रोमोजोम फर्टिलाइज कर रहा है या वाई क्रोमोजोम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जांपल। इन एग्जांपल्स में कौन सा कंडीशन आपको सही सही सेक्स को डिटरमाइन करने का तरीका बताता है? करेक्ट ऑप्शन है बी, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स डिटरमाइंस मेल सेक्स इन ग्रासोपर। ग्रासोपर में मेल सेक्स को एक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 113, इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। ड्रोसोफिला में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे निश्चित होता है? करेक्ट ऑप्शन बी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम के नंबर और ऑटोसोम के सेट के रेशियो से सेक्स डिटरमाइन होता है ड्रोसोफिला में। क्वेश्चन नंबर 114, इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मेटरनल इन्फ्लुएंस एमंग द ऑफस्प्रिंग। इनमें से किस इनहेरिटेंस के किस तरीके में आप सबसे ज़्यादा मेटरनल मतलब प्रभाव देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग के अंदर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ज़्यादा मेटरनल इन्फ्लुएंस वो करता है। मेटरनल इन्फ्लुएंस का मतलब है माँ बाप का कैरेक्टर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 115, क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन हर ऑर्गेनिजम्स अकर्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर जिसका परिणाम होता है कि हर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा रिकम्बिनेशन होता है उसको किसके बीच में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए बाइवेलेंट। जब मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज और एनाफेज स्टेज आता है तो उसमें क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और वही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 116, वेन ए क्लस्टर ऑफ जीन्स सो लिंकेज बिहेवियर दे। जब कोई किसी कोई जीन का एक गुच्छा लिंकेज को शो करता है, ठीक है, लिंकेज बिहेवियर को शो करता है, देन दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट डिसऑर्डरमेंट। जब लिंकेज को शो करते हैं तो इंडिपेंडेंट डिसऑर्डरमेंट को नहीं शो करते। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 117, नंबर ऑफ बार बॉडी प्रेजेंट इन ईच सोमेटिक सेल ऑफ अ फीमेल। प्रत्येक फीमेल के सोमेटिक सेल, एक प्रत्येक सेल में बार बॉडी की संख्या कितनी होती है? करेक्ट ऑप्शन है ए, आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 118, डॉर्सोफिला फ्लाइज विथ एक्स एक्स वाई जीनोटाइप आर फीमेल्स, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस सच इंडिविजुअल्स आर एबनॉर्मल मेल्स, जिन्हें हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दिस इंडिकेट्स दैट, यह क्या बताता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द वाई क्रोमोसोम इज मेल डिटरमाइनिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो वाई क्रोमोसोम होता है वह मेल को डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन 2000 में आया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 119, जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन मेल डिटरमाइंड बाय। किसी भी ह्यूमन मेल की जो जेनेटिक आइडेंटिटी होती है उसे हम कैसे निश्चित करते हैं? करेक्ट ऑप्शन है सी, सेक्स क्रोमोसोम हमेशा जेनेटिक आइडेंटिटी को डिसाइड करता है। 1997 में आया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120, एन इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द बॉडी इज नोन एज। कोई इंडिविजुअल है जिसके अंदर उसके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? करेक्ट ऑप्शन है सी, गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनेंड्रोमॉर्फ 1996 में आया था, एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दिया है बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 121, बार बॉडी इन ह्यूमन फीमेल इज फॉर्म बाय। बार बॉडी का फॉर्मेशन ह्यूमन फीमेल में कैसे होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन एक्टिवेशन ऑफ आइदर द पैरेंटल आर मैटरनल एक्स क्रोमोसोम। कोई भी एक्स क्रोमोसोम या तो क्या हो,
पेरेंटल हो या तो मेटरनल हो, वह क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, काम नहीं करता है। 1996 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 122, एच जे मुलर वाज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर हिज। एच जे मुलर को उनके किस कार्य के लिए नोबल प्राइज दिया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्कवरी दैट आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन इंड्यूस जीन म्यूटेशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जीन म्यूटेशन कर सकती हैं, इस खोज के लिए एच जे मुलर को नोबल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 123, बार बॉडी इन मैमल्स रिप्रेजेंट्स। मैमल्स में जो बार बॉडी होता है किस चीज़ को दर्शाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वन ऑफ द टू एक्स क्रोमोजोम्स इन सोमेटिक सेल्स ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स के सोमेटिक सेल में दो एक्स क्रोमोजोम से में एक को बार बॉडी रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 124, द पॉलीटीन क्रोमोजोम्स वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। पहली बार पॉलीटीन क्रोमोजोम्स को किसके अंदर खोजा गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, काइरोनॉमस। काइरोनॉमस 1995 में पूछा गया था, एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, बाउंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, अ फ्रूट फ्लाई एग्जिबिटिंग बोथ मेल एंड फीमेल ट्रेट सीज। कोई फ्रूट फ्लाई है जिसके पास मेल और फीमेल ट्रेट दोनों है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गाइनेंड्रोमॉर्फ। दो बार ये क्वेश्चन हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 126, सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्स कब डिटरमाइंड होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि एग को वाई क्रोमोजोम फर्टिलाइज कर रहा है या एक्स क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम फर्टिलाइज करेगा तो मेल बनेगा, एक्स क्रोमोजोम करेगा तो फीमेल बनेगा। 1993 में पूछा गया था, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 127, अब हमारा यहाँ से टॉपिक थ्री स्टार्ट हो रहा है, म्यूटेशन या जेनेटिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 127, थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी होती है ग्लोबिन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में, जब कोई दिक्कत आती है तभी ये प्रॉब्लम होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थैलेसेमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। थैलेसेमिया तब होती है जब ग्लोबिन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कम हो पाता है। अब क्वेश्चन आया था 2017 में, एनसीईआरटी से ही आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128, अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। एक बीमारी जो कि ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी है, डाउन सिंड्रोम। 2017 में पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हेमोफीलिया। हेमोफीलिया को सबसे अच्छी तरह से कौन डिस्क्राइब करता है, कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है? करेक्ट ऑप्शन है बी, यक्स लिंग रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। यक्स लिंग रिसेसिव जीन डिसऑर्डर हेमोफीलिया को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। 2016 में पूछा गया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन सभी में करेक्ट स्टेटमेंट को बताइए। हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी। फिनाइलकेटोनूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 3। ऑप्शन 4, सिकल सेल एनीमिया इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर गलत है, बाकी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 131, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। इस पेडिग्री में जो फील्ड सिंबल्स हैं वे अफेक्टेड इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पेडिग्री को पहचानिए। पेडिग्री का फिगर आप देख रहे हैं, हम आगे चलते हैं ऑप्शन पे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 132, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन विथ नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर ग्रैंड सन बींग कलर ब्लाइंड। एक कलर ब्लाइंड मैन एक वुमन से शादी करता है जो कि नॉर्मल साइट की है, और उसके हिस्ट्री में मतलब उसकी फैमिली में अभी तक किसी को कलर ब्लाइंडनेस का कोई वो नहीं है, तो अगर उनका ग्रैंड सन जो होगा उसमें कलर ब्लाइंडनेस कितनी होगी? करेक्ट ऑप्शन है सी, 0.25, और मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूंगा। 2015 में आया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 133, एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विथ एक्स 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 ट्रिपल एक्स सिक्स क्रोमोजोम्स वाज बॉर्न ड्यू टू। एक एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी जिसमें सिक्स क्रोमोजोम क्या है, एक्स 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 थ्री टाइम्स सिक्स है, किस कारण ऐसा हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, मदर में जो ओवम बना होगा वह एबनॉर्मल होगा, हो सकता है ओवम में जो क्रोमोजोम की संख्या हो वह 4x रही हो, ठीक है, तो 4x उसका जब मियोसिस होगा तो उसमें तब जाके 2x बना होगा और फिर एक यक्स मेल क्रोमोजोम गया होगा तो 3x का फॉर्मेशन हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 134, अ प्लियोट्रॉपिक जीन, एक प्लियोट्रॉपिक जीन क्या करता है? करेक्ट ऑप्शन है सी, कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। जो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है वह एक ही जीन जब कई ट्रेट्स को कंट्रोल करता है तो उस जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, जबकि जब कई जीन मिल करके एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम इंटरेक्शन ऑफ अ जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। एक आदमी जिसके पिता कलर ब्लाइंड थे उसने एक औरत से शादी की जिसकी माँ कलर ब्लाइंड थी और पिता नॉर्मल थे। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रेन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, इस कपल के जो चिल्ड्रेन होंगे मेल चिल्ड्रेन होंगे उनमें कितने कलर ब्लाइंड होंगे? तो करेक्ट ऑप्शन है सी 50%। 2014 में आया क्वेश्चन है और NCERT से ही है। अ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, एक ह्यूमन फीमेल है इसे अगर टर्नर सिंड्रोम हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, हैज 45 क्रोमोजोम्स विथ एक्स टू। 2014 में आया था क्वेश्चन और NCERT का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137, इफ बॉथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया के कैरियर हों जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो प्रेगनेंसी में जो बच्चा अफेक्टेड चाइल्ड होगा उसमें कितना परसेंटेज चांस होगा अफेक्शन का? तो ऑप्शन बी सही है, 25% अफेक्टेड चाइल्ड होने का चांस है। 2013 में आया था, NCERT से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 138, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू हेमोफीलिया, हेमोफीलिया से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है? करेक्ट ऑप्शन है बी, इट इज ए डोमिनेंट डिजीज, या डोमिनेंट नहीं बल्कि एक रिसेसिव डिजीज है, सिंगल प्रोटीन यहाँ पे ब्लड प्रोटीन को अफेक्टेड करता है। क्वेश्चन नंबर 139, विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है जो कि पेडिग्री एनालिसिस के बारे में गलत है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, इट कन्फर्म्स दैट DNA इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस ये नहीं बताता कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर DNA है। क्वेश्चन नंबर 140, डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज ड्यू टू, ह्यूमंस में डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, थ्री कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम 21, क्रोमोजोम 21 की तीन कॉपीज बन जाती हैं जिन्हें हम एन्यूक्लियोपॉइडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, अ नॉर्मल विजेंड मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल विजेंड मैन है जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे, वह एक औरत से शादी करता है जिसके भी पिता कलर ब्लाइंड थे, दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर, उनका जो पहला बच्चा था वह एक डॉटर थी, व्हाट आर द चांस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, तो इसका क्या चांस होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी, 0%। कैसे? एक्स वाई, तो अगर मैन था उसके पिता कलर ब्लाइंड थे तो और कैरियर थे, ठीक है, वो भी कैरियर हुआ तो अपने पिता का उसके अंदर वाई क्रोमोजोम आया, ठीक है, उमन जो थी उसके पिता भी कैरियर थे, उसके अंदर उसके पिता का एक्स क्रोमोजोम आया जो कि कैरियर था, उसके माँ का एक्स क्रोमोजोम आया, फिर अब उन दोनों का जो बच्चा होगा तो उमन का एक्स क्रोमोजोम जाएगा, ठीक है, और मैन का भी एक्स क्रोमोजोम जाएगा, मैन वाई क्रोमोजोम पे कैरियर है और उमन अपने पिता वाले एक्स क्रोमोजोम पे कैरियर है, तो यहाँ पे जो चांस होगा गर्ल चाइल्ड का वो 0% होगा। क्वेश्चन नंबर 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन, म्यूटेशन से संबंधित
कौन सा स्टेटमेंट गलत है? करेक्ट ऑप्शन बी, चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए डज नॉट कॉज म्यूटेशन। डीएनए के एक बेस पेयर में भी अगर चेंज होगा तो म्यूटेशन कॉज होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत होगा, है क्योंकि इसने लिखा डज नॉट कॉज म्यूटेशन। 2012 में आया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 143, रिप्रेजेंटेड बिलो इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमंस। नीचे आपको एक निश्चित टाइप का जो ट्रेड है उसका इनहेरिटेंस पैटर्न दिया गया है, ठीक है, कि फादर फीमेल मदर, ठीक है, फीमेल फादर, डॉटर्स एंड इससे बनते हैं क्रॉस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड बी एन एग्जांपल ऑफ दिस पैटर्न। इनमें कौन सी कंडीशन इस पैटर्न की का सही एग्जांपल होगा, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन है क्या? बी, हेमोफीलिया। तो हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन, अगर फीमेल मदर है, ठीक है, और मेल फादर हेमोफीलिक है, उनका जो सन होगा वह हेमोफीलिक होगा। वैसे ही फिर मेल फादर हेमोफीलिक है और फीमेल मदर है, तो उनका सन जो डॉटर होगी वो क्या होगी? हेमोफीलिक होगी। 144, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ, हम किस की मदद से म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, किसी में प्रभावी कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, गामा रेडिएशन। में अगर डीएनए को हम गामा रेडिएशन में रख दें तो उसमें क्या होगा? म्यूटेशन इंड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ नीचे दिए गए सिंबल में कौन सा सिंबल है उसका रिप्रेजेंटेशन सही है? तो ऑप्शन ए, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जब रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग होता है तो हम ऑप्शन ए में जो सिंबल दिया गया है इसका यूज करते हैं। 2010 में आया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 146, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो। नीचे जो पेडिग्री चार्ट दिया गया है इसका स्टडी करिए और बताइए कि यह किस चीज़ को दिखा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल केटोनोरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ए पेडिग्नेसिस दिखा रहा है कि अगर फिनाइल केटोनोरिया होता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के रूप में तो उसका इनहेरिटेंस इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 147, द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली बाई। अगर किसी को जेनेटिक डिफेक्ट एडीए है, एडीए डिफिशियंसी, तो हम उसे किस तरह से परमानेंटली ठीक कर सकते हैं? बाई इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इंटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। हम उनके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बोन मैरो उनके सेल में इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, जो कि एडीए से एडीए को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। इस तरह से परमानेंटली डिजीज को ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 148, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, किस तरह की बीमारी है? थर्ड ऑप्शन है बी, कॉज्ड बाय अ चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए के केवल एक बेस पेयर में चेंज आ जाता है और सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 149, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सभी में से गलत स्टेटमेंट को बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि गलत है। यहाँ पे बाल्डनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट, गंजापन कोई सेक्स लिमिटेड ट्रेट नहीं है। इन्होंने लिखा है कि गंजापन एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। ए, गैलेक्टोसीमिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट्स इन रैंडम जेनेटिक डिफ्ट इन अ पॉपुलेशन, लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन हेरिडिटी। सभी ऑप्शन सही हैं, सी गलत है। क्वेश्चन 150, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन है ए, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, जब एक बेस पेयर में चेंज आता है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन ह्यूमंस इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या लिंकेज। इनमें से कौन सी कंडीशन ह्यूमंस में उनके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या लिंकेज के बारे में सही बताया गया है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY। क्वेश्चन नंबर 152, हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन द डिप्लॉइड्स। दिस इज बिकॉज कराए कि हैप्लॉइड जो होता है वह ज़्यादा सुटेबल होता है, सही होता है म्यूटेशन के लिए डिप्लॉइड के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑल म्यूटेशन वेदर डोमिनेंट आर रिसेसिव आर एक्सप्रेस इन हैप्लॉइड। सभी म्यूटेशन डोमिनेंट हो या रिसेसिव हमेशा हैप्लॉइड्स में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं।